यस, गुड मॉर्निंग एंड वॉर्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। लेट अस गो हेड। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। नया चैप्टर है ये, ठीक है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये वही पहला लेक्चर रहेगा ऑफ दिस चैप्टर जो मैंने ऑफलाइन भी लिया था, ठीक है? कुछ बच्चों को वो जो ऑफलाइन नहीं कर पाए तो उनको हम ये लेक्चर ले रहे हैं। तो व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट अपना माइक ऑफ करके लो, प्रतीक्षा ऑफ करके लो अपना माइक, प्रतीक्षा 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 म्यूट योर माइक। ओके, केवल पटेल। यस एवरीवन, यस। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न इज नथिंग बट हम जहां पे साल के अंत में प्रोप्राइटर को ये देख जानना पड़ता है कि बाबा मैंने फाइनली साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस। प्रोप्राइटर को ये भी जानना जरूरी है कि मेरे साल भर के अंत में मेरे पास कितने एसेट है, कितना लाइबिलिटीज है। तो जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हमने सारे एंट्रियां कर चुके हैं, सारे सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू रिकॉर्ड कर चुके हैं, जर्नल में एंट्री हो चुकी है, लेजर में इफेक्ट हो चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, सारे रेक्टिफिकेशन हो चुके हैं, उसके बाद सारा बीआरएस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। फाइनली मेरे पास एक रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस सामने पड़ा है जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि सारे खर्चे और इनकम को ले लूंगा, अगर इनकम 100 रुपए आता है, खर्चे 80 रुपए आता है तो प्रोप्राइटर को बताऊंगा, अरे 20 रुपए तेरा प्रॉफिट हुआ। और खर्चे अगर सपोज 120 है और इनकम 110 है तो मैं उसको बोलूंगा 10 रुपए का घाटा किया तूने साल भर में। तो वो कैसे पता चलेगा? एक अकाउंट बना के, और उस अकाउंट को कहते हैं हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहते हैं उसको हम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर। दिस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। जो भी लास्ट ईयर में उसने धंधा किया, जो भी उसको अलग अलग तरीके से इनकम मिली, तो सारा इनकम हम एक जगह पे दिखाते हैं, सारे खर्चे एक जगह पे दिखाते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज प्रॉफिट, या एक्सपेंडिचर माइनस इनकम इज लॉस। तो उसको बताना पड़ता है, देख तूने ये प्रकार से आमदनी कमाई थी, देखो ये तरीके से तूने खर्चा किया था, एंड फाइनली नेट प्रॉफिट तेरा इतना आता है या नेट लॉस तेरा इतना आता है। तो हमको वो एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। सिमिलरली ट्रेडर को या दुकानदार को ये भी जानना जरूरी है कि उसको है ना कौन से एसेट्स है उसके पास, कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, कितना फर्नीचर है, कितना कैश पड़ा है मेरे पास, कितना बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, कितने मेरे इनटेंजिबल एसेट्स है जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और उसको किसको पैसा देना है या किससे पैसा लेना है, डेटर्स कितना है, किसको पैसा देने का है, क्रेडिटर्स कितना है, बैंक लोन कितना है, बोझा कितना है उसके सर पे ताकि वो उसको लौटाना पड़ेगा, कितने एडवांसेस लेके रखा है, किसको एडवांसेस देके रखा हुआ है, सारे के सारे डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज भी जानना जरूरी है उसको। और उसको ये भी तो जानना है ना कि उसका पैसा बिजनेस में कितना पड़ा हुआ है, कैपिटल कितना पड़ा हुआ है बिजनेस में। तो ये सारा का सारा चिट्ठा जो है वो हम बैलेंस शीट में डालते हैं। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटमेंट इज लाइबिलिटी साइड, राइट साइड ऑफ द स्टेटमेंट इज असेट साइड, जहां पे लाइबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू असेट्स। ये है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है। तो मुझे आप ही बता दो, रैंडमली पूछूंगा मैं आपसे, जहां पे ए फॉर एसेट आपको जवाब देना है। अगर कोई आइटम मैंने बोला तो आपको बताना पड़ेगा
क्या वो असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या इनकम है. ठीक है, ए फॉर असेट, एल फॉर लाइबिलिटी टाइप करना है आपको, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस एंड आई फॉर इनकम. ठीक है, मैं आपको भी रैंडमली कुछ तो कुछ अकाउंट्स पूछूंगा, तो आप बताना वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, क्या एक्सपेंस है. ठीक है, ओके. तो जहां सारे एक्सपेंस एंड इनकम कहां चले जाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में. सारे एसेट एंड लाइबिलिटी कहां चले जाएंगे, बैलेंस शीट में. ओके, तो आपको बैलेंस शीट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताना है, आप मुझे पता ये बताना है कि जो मैं अभी आपको आइटम पूछूंगा वो एसेट में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, क्या इनकम में जाएगा, क्या एक्सपेंस में जाएगा. ठीक है, ओके एवरीवन, चालू करूं? अरे चालू करूं कि आर यू रेडी फॉर इट, आर यू रेडी फॉर इट, अरे यस और नो, यस. चलो चलते हैं अपन, बढ़ते हैं. बोलो सेल्स, सेल्स बताओ, सेल्स, सेल्स आए, इनकम, एब्सोल्युटली राइट. परचेसेस, परचेसेस, परचेसेस खर्चा, ई फॉर एक्सपेंस, एब्सोल्युटली राइट. ओके, एब्सोल्युटली राइट. बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, लाइबिलिटी, एब्सोल्युटली राइट, लाइबिलिटी, एल एल. बच्चा लोग कैप्स लॉक ऑन करो ना प्लीज, वो कभी कभी लाइबिलिटी आई एल जो है ना वो छोटा दिखता है ना, तो मेरे को आई दिखता है. आप कैप्स लॉक ऑन करो, ठीक है, ओके. एल एल बड़ा आना चाहिए, ठीक है. वापस सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स बताओ मुझे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, एल एप्सुल. एक आई का प्रतीक्षा, क्रेडिटर्स मतलब किसको पैसा देने का है, प्रतीक्षा मुझे किसी को पैसा देने का है, तो सर पे भोजा है ना मेरे को. हाँ, एल फॉर लाइबिलिटी, एब्सोल्युटली राइट. ओके, नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी, ए एसेट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, एसेट, एब्सोल्युटली राइट. ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सर, एक्सपेंस. फ्रेट, 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 फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपेंस, एब्सोल्युटली राइट. डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डिविडेंड. आए, इनकम, एब्सोल्युटली राइट. अरे डिविडेंड खर्चा नस्तो रे बाबा, किसने खर्चा लिखा यहाँ पे मेरी जान, एक्सप्लेन किया है मैंने बहुत बार, वापस एक्सप्लेन करता हूँ. ए तन्वी सावंत, क्या है रे बाबा तेरा ध्यान किधर है मेरे लेक्चर में, क्या केक बनाने में, क्या है रे तन्वी सावंत. डिविडेंड रिसीव्ड वर्ड नहीं भी रहा तो भी आपकी इनकम ही होती है, क्यों, क्योंकि कंपनी लोग डिविडेंड देते हैं, प्रोप्राइटर लोग डिविडेंड नहीं देते हैं, डिविडेंड शेयर्स में मिलता है. तन्वी अभी आगे से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं 10 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये 10 बार किया कि नहीं सबको एक्सप्लेन, हर टेस्ट के दौरान एक्सप्लेन किया है, हर बार एक्सप्लेन किया है मैंने. ओके, ध्यान दे इधर. रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इनकम, सिर्फ रेंट, सिर्फ रेंट बोला गया तो सिर्फ रेंट, सिर्फ रेंट खर्चा, एब्सोल्युटली राइट, सिर्फ रेंट बोला तो खर्चा, रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम, क्लियर. नेक्स्ट इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट बोला गया है, सिर्फ इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट. एक्सपेंस, सिर्फ इंटरेस्ट बोला गया तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड बोला गया तो इनकम. समझा गया आपको, समझा गया, प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, एसेट, एब्सोल्युटली राइट. बैंक इन हैंड नहीं, बैंक इन हैंड नहीं होता है रे बाबा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, बैंक में पैसे पड़े हुए मेरे, एसेट. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में ज्यादा पैसे निकाले मैंने, लाइबिलिटी मुझे देना पड़ेगा बाद में, एब्सोल्यूट. आज अनुराग मस्त मस्त फॉर्म में दिख रहा है आज, ओके अनुराग, जैसे लगता है आज बहुत नेट प्रैक्टिस करके आया है. ये अनुराग नेट प्रैक्टिस करके आया है और जबरदस्त जवाब दे रहा है मेरे को आज, आज फाइनली अनुराग जग गया है हमारे क्लास में, बधाई हो, ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, लाइबिलिटी, एब्सोल्युटली राइट. कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी, कैपिटल, एल लाइबिलिटी, कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी, एल. नेक्स्ट, नेक्स्ट वेजेस, वेजेस, वेजेस एक्सपेंस. सैलरीज, सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंस. ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस. इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस. एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस, ठीक है, सारे के सारे ये ड्यूटी एक्सपेंस होते हैं. कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस. कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस. कैरेज
एक्सपेंस, फ्रेट आउटवर्ड एक्सपेंस, फ्रेट इनवर्ड एक्सपेंस, ओके, कन्वेयंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, पोस्टेज टेलीग्राम एक्सपेंस, कमीशन, सिर्फ कमीशन बोला है, सिर्फ कमीशन बोला है, सिर्फ कमीशन बोला है। अरे कमीनी प्रतीक्षा क्या रे बाबा, जब तक रिसीव्ड वर्ड नहीं रहता है तब तक एक्सपेंस ही माना जाएगा। एक्सेप्शन एक ही चीज है, डिविडेंड, डिविडेंड में रिसीव वर्ड नहीं भी रहा तो भी वो इनकम माना जाता है। वापस सुनो, सिर्फ कमीशन दिया तो एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड बताया गया है तो इनकम, सिर्फ रेंट दिया तो एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड लिखा है तो इनकम, इंटरेस्ट दिया तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड आया तो इनकम, डिविडेंड वर्ड आया सिर्फ डिविडेंड तो वो मेरा इनकम ही गिना जाएगा। डिविडेंड में रिसीव्ड वर्ड नहीं भी रहा तो भी वो इनकम गिना जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस कैसे बताता हूं बच्चा लोग, अरे उस दिन बताया था, वापस बता देता हूं, वापस बता देता हूं, सुनो ध्यान से। अरे बेटा सुन, कैरेज मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बरोबर। कैरेज इनवर्ड मतलब खरीदी करने के टाइम पर जो भी मैंने कैरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा पे किया उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, खर्चा हुआ ना। अरे बच्चा लोग, आपने ना अपने गुड्स गुजरात में बेचे, गुजरात वाले पार्टी ने कहा आप मटेरियल भेजो और उसका ट्रांसपोर्ट आप ही खर्च करो, मैं नहीं खर्च करने वाला। कैरेज आउटवर्ड, मैं सेल के लिए कोई कैरेज क्या एक्सपेंसेस बेयर कर रहा हूं, तो कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा होता है बेटा, कैरेज इनवर्ड भी खर्चा होता है, फ्रेट इनवर्ड भी खर्चा होता है, फ्रेट आउटवर्ड भी खर्चा होता है। समझा क्या खर्चा, वो खरीदी करने के टाइम पर खर्चा किया, ये बेचने के टाइम पे खर्चा किया, इनकम कभी नहीं होती है। समझा क्या नहीं समझा, अरे इनकम कभी नहीं होती। अंडरस्टूड एवरीवन, जिसने रेज किया था क्वेरी एटलीस्ट बता दो ना, समझा क्या नहीं अभी, जिसने क्वेरी रेज की अभी क्या समझा क्या नहीं, हमेशा का वो बंदा है, सही से पूछता है फिर बाद में लिखता नहीं है। हाँ ओके, हमेशा का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेज एंड फ्रेट, वन एंड द सेम थिंग, जैसे कि ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग, जैसे कि पानी पूरी को कोई पुचका भी बोलते हैं, है तो पानी पूरी, तो फ्रेट एंड कैरेज इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग, ओके फाइन, तो ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग ही है वो, ठीक है, नाम बस अलग है, ओके। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड ही खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, फ्रेट या कैरेज, इनवर्ड या कैरेज, आउटवर्ड कैरेज, फ्रेट, एक ही बात है सब, ट्रांसपोर्टेशन के ही नाम है, फाइन। जैसे कि कार्टेज, कार्टेज भी एक ट्रांसपोर्टेशन का ही नाम है, फाइन, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, ये सब एक ही चीज है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस, एब्सोल्युटली राइट, एक्सपेंस गिना जाएगा, ओके। तो बच्चा लोग बहुत सिंपल है, अब आपको क्या करना है बताता हूं मैं आपको, सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस कहाँ डालोगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, और सारे एसेट एंड लाइबिलिटी कहाँ डालोगे, बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लिखो लिखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, नंबर वन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बताता हूं। बता रहा हूं, थाम्बा थाम्बा बाबा थाम्बा, हेडिंग लिखो फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, अच्छे से मस्त डेकोरेट करके देता हूं, रुको, ये इंसर्ट अच्छा सा डेकोरेट करके देता हूं, लो इंसर्ट, ये लो यहाँ पे, ये हमारा हायरार्की, ओके सर, यहाँ पे मस्त पे की डाल देता हूँ मैं आपको, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, इसमें हमको बनाना पड़ता है आपके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनता है बैलेंस शीट, ओके। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस,
एंड बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर कंसीडर्ड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंसीडर्ड, ठीक है इसको कलर कर देता हूं मैं, ये लो बड़ा भी कर देता हूं, होल्ड ऑन, ये लो ठीक है। कलर में फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, ये लो बस। फाइनल अकाउंट्स में दो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। परफॉर्मेंस एंड पोजीशन का डिफरेंस, परफॉर्मेंस मतलब साल भर का, मैंने बच्चा लोग साल भर अपना धंधा का टर्नओवर चेंज होते रहता है, पोजीशन तो हर सेकेंड चेंज होती है। जैसे कि मेरे पास आज बैंक बैलेंस सपोज 1,00,000 रुपए पड़ा है, मेरी बीवी गई शॉपिंग करने को, बातों बातों में उसने 20,000 की खरीदी कर ली, मेरा परफॉर्म मेरा पोजीशन चेंज हो गया। परफॉर्मेंस विल बी देयर फॉर द ईयर बट पोजीशन विल बी चेंज एट एवरी सेकेंड, तो इसीलिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनाते हैं हम 31 मार्च। एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल भर के लिए बनाते हैं, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हम जब हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, क्या डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज ऑन डेट। तो एज ऑन डेट क्या होती है मेरा, एज ऑन डेट विल बी 31 मार्च। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। पोजीशन इज फॉर द डे या एज ऑन दैट डेट, बट परफॉर्मेंस इज फॉर द ईयर। जैसे कि कभी आप पूछते हो दुकानदार से धंधा कैसा चल रहा है, वो कभी बोलेगा मंदी है, इस साल में ग्रोथ है, इस साल पिछले साल से कम है। तो परफॉर्मेंस हर साल भर साल को गिना जाता है, ओके। पोजीशन तो हर सेकेंड में बदलती रहती है, हर सेकेंड हर रोज बदलती है। आज आपके पास डेटर्स 5,00,000 है, आपने एक ही जन के साथ 15,00,000 का धंधा उधार पे किया, आपका अचानक से डेटर्स 20,00,000 हो गया, कल के कल सारे 20,00,000 रुपए आ गए आपको, आपके डेटर्स जीरो हो गए। फाइन, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। आपको स्कूल में कितने मार्क्स मिले दैट विल डिटरमाइन योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर, बरोबर। आपको रिजल्ट कितना आया दैट विल डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, फाइन। आप क्लास में कितने आए, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, दैट इज द पोजीशन विच यू हैव गॉट इन द क्लास, अंडरस्टूड नाउ, ठीक है। परफॉर्मेंस साल भर की मेहनत, पोजीशन आप जो कमाते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइन। नेक्स्ट लिखा सबने, अब मैं आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा फर्क बताता हूं क्या है, फिर बैलेंस शीट बाद में जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर होता है, कभी भी नया चैप्टर में मैं ओवरऑल व्यू आपको देता हूँ, ठीक है। तो आज वापस ओवरऑल व्यू दूंगा आपको, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, बैलेंस शीट कैसा होता है और कैसा दिखता है वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल व्यू बताऊंगा पूरे चैप्टर का, और फिर यही चीज अपन टप्पे टप्पे में देखने वाले, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहले देखो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिखता कैसा है। इट इज एन अकाउंट, अकाउंट में कितना फॉर्मेट होता है सर, डेट पर्टिकुलर्स LF या JF रुपीज होता है, यहाँ पे लेकिन JF LF नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है, और नहीं डेट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये साल भर का पोजीशन है। तो हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स, पहले देखो, मैं लिखने के लिए टाइम बाद में दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो, या लिखना नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। अकाउंट कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, सेम वैसे ही जैसे हम अकाउंट बनाते हैं, लेफ्ट एंड राइट वाला, लेफ्ट वाले साइड को कहेंगे डेबिट साइड, राइट वाले को कहेंगे क्रेडिट साइड।
और यहाँ पे अपन हेडिंग लिखते हैं। कैसे हेडिंग लिखते हैं बताता हूँ। जिसका भी हम बनाते हैं अकाउंट, जैसे कि मैं अप्राइज ट्यूटोरियल का बना रहा हूँ सपोज, या अप्राइज नहीं, मिस्टर सिद्धांत बोगावत का बना रहा हूँ, या सिद्धांत ट्रेडर्स का बना रहा हूँ। प्रोप्राइटर कौन है? सिद्धांत बोगावत। ठीक है, हमेशा सिद्धांत को काय को भाव देने का, नको साहिल ट्रेडर्स। ठीक है, साहिल ट्रेडर्स, और यहाँ पे अपन डालेंगे प्रोप्राइटर साहिल सहानी। पॉइंट ओके, चलो यहाँ पे मर्ज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चा लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। मतलब अपन 19-20 का प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं। 19-20 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st April, एंड्स ऑन 31st March। तो हम 19-20 साल में साहिल ट्रेडर्स ने कितना प्रॉफिट कमाया वो निकाल रहे हैं हम। तो उसके लिए सारे इनकम और खर्चे डालने पड़ेंगे। हाँ सर, तो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, मैं यहाँ पे डेबिट लिख देता हूँ, और राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, तो मैं क्रेडिट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना डेबिट है और यहाँ पे अपना क्रेडिट है। फाइन, क्लियर यहाँ तक? ये देखो, ये डेबिट और क्रेडिट, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। सो बहुत सिंपल है, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड, और आपकी लक्ष्मण रेखा क्या है वो भी बता देता हूँ। अरे लक्ष्मण आलिया नहीं रे बाबा, रेखा, लक्ष्मण रेखा। ओके, यहाँ पे अपने को सिंपल लाइंस मारनी है। फाइन, जो फॉर्मेट आपको मालूम है दिखा देता हूँ, होल्ड ऑन, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि यू विल बी एबल टू सी, जस्ट अ मिनट। ये देखो, थोड़ा सा छोटा कर दिया है। फाइन, सुनो बच्चा लोग, बहुत सिंपल है स्टेटमेंट, एक बार देख के लोगे तो आपका जिंदगी सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा लोग फाइनल अकाउंट्स ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। 11वीं में आपको अकाउंट्स है, 12वीं में भी है, FY में भी है, SY में भी है, TY में भी है, MCOM में भी है बाबा, CA में भी जाओगे तो भी अकाउंट्स है, CS में जाओगे तो भी अकाउंट्स है, CWA में जाओगे तो भी अकाउंट्स है, तीनों लेवल पे है CWA में, तो MBA में जाओगे तो भी अकाउंट्स है। अकाउंट्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और फाइनल अकाउंट्स तो कभी नहीं छोड़ेगा। अभी हम दुकानदार का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, 12वीं में हम अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप देखने वाले हैं, अकाउंट्स ऑफ NPO NGO देखने वाले हैं। ओके, एक मिनट, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हुआ है, एक मिनट। इज इट फाइन एवरीवन? नाउ इट इज फाइन एवरीवन, इज इट फाइन एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, थोड़ा ग्लिच आ गया था, इज इट फाइन? हाँ, तो सुनो, मैं आपको कह रहा था कि अकाउंट्स को पीछा छोड़ने ही नहीं वाला है, फाइनल अकाउंट्स तो बिल्कुल नहीं पीछा छोड़ेगा, और सारा फाइनल अकाउंट्स का बेस यही है, आगे जाके यही आप सीखने वाले हो, इसको और अपग्रेडेड वर्जन में सीखने वाले हो। तो हम दुकानदार का अकाउंट्स देख रहे हैं हम अभी, फाइनल अकाउंट्स। 12th में आप पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स देखने वाले हो, 12th में आप NPO का फाइनल अकाउंट्स देखने वाले हो, NPO मतलब क्या, ट्रस्ट वालों का। आगे जाके FI, SY, TY या CA, CS में आप कंपनी का भी देखने वाले हो, कंपनी का फाइनल अकाउंट्स देखने वाले हो, फिर बैंकिंग का फाइनल अकाउंट्स देखने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स देखने वाले हो आप, ओके, इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट्स देखने वाले हो, हर एक एक करके आप बढ़ने वाले हो अलग अलग। ठीक है, सो अभी हाल फिलहाल इस पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऊपर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ये पर्टिकुलर रुपीज डाल दिया मैंने। फाइन, अब देखो ध्यान से, सारे खर्चे एंड इनकम, सारे खर्चे एंड लॉसेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एक ही चीज आपको समझनी है, सारे इनकम आएंगे इधर, सुनो बच्चा लोग, ये देखो ये हरा कर देता हूँ, सारे इनकम आएंगे इधर बच्चा लोग, सारे के सारे इनकम आएंगे इधर, एंड सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे इधर। इसको थोड़ा सा मरून कलर देता हूँ, सारे इनकम एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड में आएंगे। क्यों? बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आप ही बता दो, सेल्स कहाँ आएगी डेबिट क्या क्रेडिट साइड में? सेल्स कहाँ आएगी डेबिट क्या क्रेडिट साइड में, बताओ मुझे, अरे जल्दी बताओ, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट, चैट में जवाब दो। सेल्स किधर आएगा? सेल्स क्रेडिट में आएगा। परचेजेस किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? बताओ जल्दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएगा। कन्वेंस किधर आएगा? डेबिट।
फ्रेट किधर आएगा? डेबिट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, डेप्रिसिएशन, कहाँ आएगा? सब डेबिट साइड में। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कहाँ आएगा? सब क्रेडिट साइड में। बच्चा लोग अभी समझा? समझा प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स, अगर समझा तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके यस, तो सुनो इसका एक फॉर्मेट ये देखना है आपको। सुनो पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख रहे हैं। देखो देखो फॉर्मेट कैसा है। ट्रेडिंग अकाउंट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक, देन वी विल राइट टू परचेसेस। सपोज ओपनिंग स्टॉक आपके पास 1,00,000 रुपए का है, सपोज 1,00,000 रुपए का है, यहाँ पे 1,00,000 रुपए डालना है, ठीक है। आपके पास माल 1,00,000 रुपए का पड़ा था, कब पड़ा था? 1 अप्रैल 2019 को, ये फॉर द ईयर एंडेड कर रहे हैं ना, तो ये 1 अप्रैल 2019 है, समझो 1 अप्रैल 2019 को आपके पास 1,00,000 का स्टॉक पड़ा था। साल भर में आपने 10,00,000 की खरीदी की, कितनी की? 10,00,000 की खर्चा आएगा, लेकिन आपने परचेस रिटर्न भी किया, तो परचेस रिटर्न को यहाँ पे माइनस किया जाएगा। सपोज आपने परचेस रिटर्न 50,000 का किया है, तो बताओ नेट खरीदी आपने कितने की? 10,00,000 की खरीदी की और 50,000 का आपका रिटर्न है, तो बताओ नेट कितना खरीदी की आपने? 9,50,000 का, करेक्ट। नेक्स्ट, सपोज आपने बेचा बाय सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स आपकी इनकम है तो आपने ही बोला क्रेडिट होगा, ये ड्यूरिंग द ईयर है पूरा, ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ड्यूरिंग द ईयर है, ये भी ड्यूरिंग द ईयर है बच्चा लोग, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल भर में जो खरीदी किया वो एक जगह पे दिखाएंगे, सेल्स पूरे साल भर का कितना किया वो एक जगह पे दिखाएंगे। सपोज सेल्स आपने किया है 16,00,000 रुपए का, ठीक है, 16,00,000 रुपए का आपने सेल्स किया है, उसमें से आपका सेल्स रिटर्न भी हुआ है। एग्जाम्पल सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना होगा? माइनस किया जाएगा यहाँ से, लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। सपोज आपके सेल्स रिटर्न 1,00,000 के हुए हैं, तो बताओ आपने साल भर में सेल कितना किया? नेट 15,00,000 रुपए दिखाया जाएगा, दिखा दिया हमने। अब यहाँ पे आपको 2 से 3 लाइन छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। सर ये 2 से 3 लाइन क्यों छोड़ने का है बताता हूं मैं, रुको। क्लोजिंग स्टॉक आपका सपोज पड़ा हुआ है 1,50,000 रुपए, एग्जाम्पल, ठीक है, 1,50,000 रुपए, 15,00,000 नहीं, 1,50,000। बच्चा लोग मुझे ये बताओ, आपके पास जब माल रहता है, माल वो बेचने के लिए ही रहता है? हाँ सर, माल बेचने के लिए ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ कारणों के वजह से इस माल को कम, ये माल कम भी हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? सिर्फ सेल ही कारण हो सकता है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं? बताओ मुझे, माल क्या सिर्फ सेल के वजह से ही कम होता है या कुछ और के रीजन के भी वजह से भी कम होता है?